क्यों नहीं संभल पा रहा स्टॉक मार्केट, इन पांच कारणों ने बनाया तगड़ा दबाव। स्टॉक मार्केट में आज लगातार पांचवें दिन भारी गिरावट रही। इन पांच दिनों में निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा डूब चुके हैं। मार्केट में यह गिरावट मिडिल ईस्ट में राजनीतिक तनाव के चलते तो है ही, इसके अलावा अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल और दिग्गज कंपनियों की कमजोर सितंबर तिमाही ने भी इस पर दबाव बनाया है। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स लुढ़क कर 64,000 और निफ्टी 50 भी फिसल कर 19,100 के नीचे आ गया था। ब्रोकरेज फर्म जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजय कुमार के मुताबिक इसराइल हमास जंग के चलते जो अनिश्चितता बनी हुई है वह नियर टर्म में मार्केट पर दबाव बनाएगा। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट और कच्चे तेल के भाव में नरमी से मार्केट को रिकवर होने में मदद मिलेगी, लेकिन यह टिकाऊ नहीं हो पाएगा जब तक कि मिडिल ईस्ट में चीजें पटरी पर नहीं आ जाती हैं। यहां उन सभी कारणों के बारे में बताया जा रहा है जिन्होंने मार्केट पर बिकवाली का भारी दबाव बनाया। इसराइल हमास वॉर निवेशकों के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता का विषय मिडिल ईस्ट है, जहां इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग के चलते जियोपॉलिटिकल रिस्क गहरा गया है। मिडिल ईस्ट में अधिकतर देश तेल निकालते हैं और इसी की सप्लाई को लेकर वैश्विक इकोनॉमी में चिंता हो रही है। अगर यह विवाद गहराता है तो कच्चे तेल की कीमतें ऊपर चढ़ेंगी और इससे कच्चे माल की भी कीमतें ऊपर भागेंगी और नतीजतन ओवरऑल मार्केट को महंगाई का तगड़ा झटका लगेगा। मार्केट की मौजूदा बिकवालिया संकेत दे रही है कि निवेशक फटाफट इस स्थिति से निकलना चाहते हैं। यूएस बॉन्ड येल अमेरिकी बॉन्ड को दुनिया में सबसे सुरक्षित विकल्प के रूप में माना जाता है। इस समय 10 साल की अवधि वाले अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड बढ़ रही है और 5% के लेवल को भी पार कर गई है। इसके चलते एनालिस्ट अब अनुमान लगा रहे हैं कि उभरते और रिस्क वाले मार्केट से निवेशक पैसे वापस खींच सकते हैं। इसकी वजह यह है कि निवेशक फिलहाल अमेरिकी बॉन्ड में पैसे लगाने को प्रायोरिटी देंगे, जहां उन्हें बिना रिस्क के 5% के सालाना दर पर डॉलर में रिटर्न मिल जाएगा। जबकि भारतीय शेयरों में एक तो जियोपॉलिटिकल रिस्क है और दूसरा करेंसी रिस्क भी है। विदेशी निवेशक इस महीने 10,345 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेच चुके हैं। क्वार्टर टू अर्निंग सितंबर तिमाही में भारतीय कंपनियों की स्थिति डवाडोल रही और नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। दिग्गज कंपनियों के कमजोर नतीजे ने पूरे मार्केट को दबाव में डाल दिया। अधिकतर आईटी कंपनियां सुस्ती से जूझ रही हैं तो बैंक सिक्योरिटी मार्जिन से जूझ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट घरेलू स्टॉक मार्केट पर वैश्विक मार्केट ने भी काफी दबाव बनाया है। सभी यूरोपीय मार्केट आज गिरावट के साथ खुले। एशियाई मार्केट्स की बात करें तो इनमें मिलाजुला असर रहा। सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के मार्केट रेड जोन में बंद हुए, जबकि बाकी मार्केट्स में कुछ रिकवरी रही। इक्विटी वैल्यूएशन भारत और अमेरिका उन देशों में शुमार है जहां शेयर बहुत महंगे हैं। ऐसे में यहां शेयरों में एकाएक गिरावट के आसार बने रहते हैं। इसका असर स्मॉल और मिड कैप स्पेस में अधिक स्पष्ट रूप से दिख रहा है। विजय कुमार के मुताबिक मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में वैल्यूएशन लार्ज कैप की तुलना में अधिक हो गया है, तो ऐसी गिरावट की आशंका पहले से ही थी। इस समय लार्ज कैप के उन शेयरों खास तौर से बैंकिंग में निवेश करना सही रहेगा जिनके वैल्यू सही है। moneycontrol.com पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट्स ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।